मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसका पहला रूल, अब पहले रूल स्टडी करेंगे फिर मॉलिक्यूल का इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करेंगे। यहां रूल है सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स रिएक्ट टुगेदर, ये फर्स्ट रूल है। इसको अपनी लैंग्वेज में समझिए, इसमें सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट आर एप्रोक्स इक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये फर्स्ट रूल है। एक दूसरा रूल इसमें आप पहले स्टडी कर चुके हैं, उसी को याद दिलाता कि जब एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का, एस ऑर्बिटल ओवरलैप टू एस ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के जो बॉन्ड है वो पूरा नहीं है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगा वही सिग्मा बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा पीपी पी पाई कौन सी बॉन्डिंग साइड वाइज, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड। ये तो पुरानी कहानी है जो मैंने आपको रिवाइज की। तो पहला रूल क्या है, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे, दो एटम के, डिफरेंट एटम भी हो सकता है सेम एटम भी हो सकते हैं, सेम एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे बट एनर्जी लेवल सेम होगा। दूसरी समस्या, दूसरा तीसरा रूल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन इन्वॉल्व होंगे, कौन रिएक्ट होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से रिएक्ट होगा, ओवरलैप करेगा, और किसका फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये थर्ड रूल है, सिंपल सा रूल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पहला रूल तो आप समझ ही चुके हो, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल रिएक्ट टुगेदर आर ओवरलैप टू ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ नंबर का रूल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी एक रूल है। क्या रूल है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर क्लासिफाइड टू टू टाइप्स, ये फिफ्थ रूल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है, एटम कॉम्बिनेशन करेंगे उसके बाद, ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे एनएस, एफ आर एंटी, एन का कोई मतलब नहीं है, एफ आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बाय एनए और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनबी। ठीक है, अब इनका मतलब समझे, एनए का मतलब है मॉलिक्यूल के वो ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी लेवल किसके कंपैरिजन में,
एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें कॉम्बिनेशन करेंगे उनके कंपैरिजन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी लेवल है वो हायर होगा। फिर से समझिए, एने मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है मॉलिक्यूल के, किसके कंपैरिजन में, जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होता उसके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनपी का मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक, अब आपको यहां पर एक डायग्राम बना के एग्जाम्पल समझाता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पांचों रूल बोर्ड पर लिखे हैं, एक एग्जांपल इसलिए समझाऊंगा कि ये पांचों रूल आपको समझ में आ जाए। हाइड्रोजन एटम 1 1, इसका डायग्राम होता है 1s1, इसका भी डायग्राम होता है 1s1, और ये दोनों मिलकर के क्या जनरेट करेंगे, 1s2। देखिए जरा इस साइड कॉलम बना के मैं डायग्राम बना रहा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन का एक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या नाम इसका, 1s1, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इधर भी दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी। सुनिए ध्यान से, पहला रूल क्या है, सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों कंबाइंड होंगे। तो अगला रूल आपने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के पास, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक फर्स्ट एटम का दूसरा सेकंड एटम का, दोनों कंबाइंड होंगे, एक कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल को जंप कर जाएगा, ये हो गया हायर एनर्जी। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल को जंप हो जाएगा, ये आ गया। देखो ध्यान से, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ये था लाइन सेंटर की, बट एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां चला गया, ये हायर एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलोगे आप, इसका नाम है एनबी, क्योंकि एनबी ही हायर एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरा इसका नाम क्या लिखोगे, एन ए, ये कहां चला गया, ये लोअर एनर्जी लेवल में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, एक इधर इलेक्ट्रॉन है एक इधर इलेक्ट्रॉन है, बस। अच्छा, दूसरी चीज इसका सिक्स्थ रूल समझ लीजिए, जो रूल रेगुलेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के थे वही रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल को जंप करेगा, ये आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, वन ऑर्बिटल हैव टू इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, ये आप बाहु प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, आपने रूल रेगुलेशन की स्टडी की थी कि इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जंप हुआ। अब इसका नाम क्या रखे, ये तो एस ऑर्बिटल कंबाइंड हुआ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका नाम बना सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट है, एस ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम। तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, h2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, ये मॉलिक्यूलर डायग्राम है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। कहीं गड़बड़ है, ठीक है, किसी ने मैसेज भी किया है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, गलत लिखा गया है।
ये किसी ने बोला है तो उसकी बात मान लेते हैं, शायद किसी ने बोला है ऐसे। तो भाई एन बी इसका नाम बनेगा और एन ए इसका नाम बनेगा। शायद मैसेज में यही बोला है, करेक्शन मैंने कर दिया। हायर एनर्जी लेवल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम एन ए। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड, और आप पहले पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी आयन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर कैसा होगा? डाइमैग्नेटिक, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डाइमैग्नेटिक नेचर का है। क्या होता है डाइमैग्नेटिक नेचर? डाइमैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर उस मैग्नेटिक फील्ड के साइड से स्लाइटली रिपेल हो, दूर जाए, अवे फ्रॉम मैग्नेट, उसको बोलते हैं डाइमैग्नेटिक। और अगर स्लाइटली अट्रैक्ट हो तो पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अपने दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड रखता है, इसलिए उसका नेचर डाइमैग्नेटिक। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर पता करें, यहां पर यहां जगह है अपने पास, बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हाइड्रोजन के बीच कितनी लाइन हो। तो हाइड्रोजन ऐसे बनता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है हाइड्रोजन का? वन। देखते हैं आता है नहीं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। ये बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फार्मूला है। एन बी लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के, एन ए हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन। लगाओ फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर एन बी कितने हैं? अरे एन बी दो है, डाउन साइड जीरो अपॉन टू, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर वन। ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की टेक्निक है। तो अभी हम हाइड्रोजन के बारे में समझे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रूल रेगुलेशन के बारे में समझे। इसको हम डिटेल अब नोट करेंगे और फिर कई और भी मॉलिक्यूल्स है ऐसे जिनके बारे में स्टडी करेंगे। हीलियम का डायग्राम है, हीलियम के डायग्राम में आप क्या लिखोगे? एच ई, इधर भी एच ई हीलियम, सिग्मा वन एस टू, ये वाला वन एस टू लिखिए, इधर वाला वन एस टू लिखिए, दोनों का डायग्राम बनाइए। सिग्मा वन एस टू लोअर एनर्जी लेवल को नेमिंग करेंगे और हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार वन एस टू नेमिंग होगी। स्टार का मतलब है हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल, ये एन ए का नाम होता है, ठीक है। हीलियम में एटॉमिक ऑर्बिटल में वन एस टू होगा, दूसरे में भी वन एस टू, और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये होगा, सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने कैलकुलेट कर दिया, बॉन्ड ऑर्डर एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय टू, टू माइनस टू अपॉन टू, जीरो बाय टू जीरो। और आपको ये भी समझा दिया कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कब प्रूव होगी, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव नहीं होगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए,